हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है। बर्तन कहाँ है? वो थोड़े से बर्तन है ना, मैंने बाहर रखे हुए हैं जो साफ करे थे, वो उठा के अंदर मुझे रखने हैं। और अभी जो है ना, कान्हा जी के आगे दीवा जलाना है। कान्हा जी नुहा दिए, नुहा कर कान्हा जी को पूजा में बैठा दिया है मैंने। और अभी चाय बना लेती हूँ, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। आप बोलोगे आप चाय बहुत पीते हो दीदी। क्या करूँ, दूध इतना नहीं है कि जो मैं पी सकूँ। बच्चों को दे देती हूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है, मुझे मिले या ना मिले। सबसे पहले चाय रखते हैं और घी गरम करते हैं दीपक जलाने के लिए। तो मेरे इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं ना कानों के, कमेंट करके बताना। मेरे कानों में आप लोग बोलते हैं छोटे छोटे अच्छे लगते हैं, पर कभी कभी मेरा बड़े बड़े पहनने का मन करता है तो मैं पहन लेती हूँ। और इतनी गर्मी में ना, अगर कहीं बाहर ही जाऊँगी तो मैं मंगलसूत्र डालूंगी। मैंने निकाल दिया, बट मुझे ना ज़्यादा गर्मी में मंगलसूत्र बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। दाने दाने हो जावे, खुजली हो जावे, तो ठीक है। और चूड़ी जो है ये मैं चेंज करने के लिए सोच रही हूँ, दूसरी पहन लूँगी। मुझे कुछ ही चीज़ों का शौक है। तो चलिए फिर चाय रख लेते हैं। बेटी जा रही है स्कूल। कहीं से नहीं लाई, मलाई में से निकलना, मसाले दानी में मसाले खत्म हो गए। सोफ्टी ये फ्रिज कहाँ से लाई? मैंने, हमारा गर्म हो गया, इसमें डाल दी हमने ये लहसुन की पोथी, ठीक है। अब इनको देखो, ये खूब अच्छे से जो है ना पक जाएंगी। और मैं बेटा पोथी लहसुन की, तो मैं ये तेल जो है ना तैयार कर रही हूँ। किस चीज़ के लिए कर रही हूँ आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊँगी मैं। अपने बर्तन उठाइए, दाब दे बैठे। पूरे घर का सामान फैला के रखो, ये गंदे कपड़े कौन लेके जाओगा? मुझे देख ले करो, कितनी मर जाएगा, सारा दिन थक जाऊं। वो से नहीं ले, पड़ा पूछा नहीं लेती। यहाँ पर थोड़े से कपड़े हो रहे थे धोने के लिए, मैंने सोचा धो लेती हूँ, क्योंकि मैंने गद्दों के कवर वगैरह है ना जो, वो निकालने हैं, पर आज तो नहीं निकाले। वैसे घर के काफ़ी सारे हो गए, बेड की चादर मेरी दूसरे तीसरे दिन बदलनी पड़ जाती है, जैसे बच्चे कुछ खाते पीते हैं, मतलब नीचे बैठ के भी खाते हैं वैसे तो, और ऊपर धूल मिट्टी भी तो बैठती है, पैर उर लग गए मिट्टी के तो भी चादर ख़राब हो जाती है। मतलब फिर उसकी भाई देखो चेंज तो करनी पड़ती है, तीसरे दिन चेंज कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं अब फिलहाल तो। और आगे आगे तो नहीं इतना चलेगा, क्योंकि बाहर ही ज़्यादातर बाहर ही बैठेंगे हम लोग गर्मी में, अंदर तो नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आई थी सुनार की दुकान पे, सोने और चांदी का बाप, वाटर मेलन, हाँ तरबूज, ये तो बोला ना हिंदी में तरबूज। ओ मैं इंग्लिश नहीं झाड़ता हूँ। हेलो, राम राम जी, कैसे आप सभी? मैं सब बढ़िया होंगे, ओके अच्छे होंगे। आज हम बच्चों के लिए लाए हैं वाटर मेलन। वाटर मेलन, आप जो भी तरबूज हिंदी में मैं मार्केट गई थोड़ा सा लेने के लिए, ये मैं क्या जाएंगे आपके साथ में, तो वो भी मुझे आना है मेरे लिए, ये लेके चलो। चलो भाई 10-20 रुपए की ये भी चीज़ सही बच्ची, मेरा घुमा रहा है कुछ नहीं। नहीं जी 40 का है ये, 30-40 तो मैं कुछ कहती तुमने, ये भी फली है, ये वाला फल जूस पीती है पत्ती में, आम का जूस पीते थे, तो ये खा लो इतना अच्छा लगा। आप भी आ जाओ, अंगूर चाह रहे थे थोड़े से, और अनार चाह रहा था मैं, दोनों ही चीज़ें ले आई हूँ।
देखो सब्जी लाई हूँ मैं, खीरे हैं, ये अचार वाली मिर्चें हैं, शिमला मिर्च हैं, भिंडी है, टमाटर है, नींबू है, लहसुन में रख के आ गई हूँ, ठीक है। एक लाए हैं हम ये सॉस, पिज़्ज़ा सॉस और समोसे वाली सॉस, ठीक है। एक ये चाहिए थी हमें दही के पैकेट, ठीक है। ये सारी ये तीनों चीज़ें तो मैं फ्रिज में रख के आ जाऊँगी। खुद का घर और फ्लैट व्लैट ये क्यों नहीं होंगे भाई इनके लिफ्ट लाफ्ट, पैसे पैसा बोल रहे हैं रईस आदमी। अब थोड़ी दूर से सूट करिए भाई, रो रही है बेचारी, बेचारे के पति ने इसको मार दिया। हाँ मार दी मुझसे तो पूछती वो उत्तर है मुझ में कहीं बाकी है, मुझे भी रुला दिया आँखों में बन के आँसू, मुझे बना दूसरा तू चली आती है। मुझे भी रुला दिया इस आंटी ने, ओए मेरा बच्चा जी मत जाऊंगी, सब रो पड़े मेरी प्याज देख के। टमाटर प्याज काट के रेडी कर लिए, अंगूर काट लिए, अनार के दाने निकाल लिए, प्याज काट ली, खीरा काट लिया, टमाटर काट लिए बहुत बारीक बारीक। तुझे थोड़ा खून दे लो ये क्या बना रही, मजे काट रही। जलजीरे का पानी बना रही जिसमें पेट में गैस हो, दर्द हो, एसिडिटी हो, उसमें भी बहुत, हाँ मतलब गैस उस बनना उसमें बहुत फायदा दे। जीरा भुनो, उसे पीसो, उसे ठंडे पानी में डाल लो, उसमें खड़ा नमक गिरो और बस उसे पी लो, क्योंकि हमारे घर पर दही नहीं है। अभी यार दूध इतना कम है तो दही कहाँ से मिलेगी, मोल की दही का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या करें। दही दही होती है, बस मॉल के में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। ये तो बात है, जैसे घर की हो ना इसी मॉल की, जब आप सोडा है ना सोडा एकदम सही है, मेरे पास सही रहती है, कुछ भी लत नहीं। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दही है, तुम्हारे पास क्या है। मेरे पास माँ है, माँ हाँ डायलॉग बन रही है। मेरे पास गाड़ी है, कार है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है। मेरे पास माँ है, अमिताभ बच्चन का है, मेरे पास माँ है, माँ हाँ तो की तरह मेरे पास माँ है, माँ बहू नहीं चाहिए मुझे। माँ चाहिए, दही दही रहेगी ज़्यादा ना, जिसमें होगी सही एकदम बढ़िया होगी। माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, माना अनजान है तू तो। कलर चेंज होना था बस, वो मैंने कर लिया है बट, और अभी जो है ना ये मैं जीरा इसमें डाल देती हूँ, मिर्च डाल दूँगी हल्की सी, थोड़ी सी इसमें हल्की सी मिर्च डाल दूँगी मैं, डाल लो। सबसे पहले हम इसमें डाल लेंगे प्याज, खीरा,
ये प्याज, खीरा, टमाटर, अनार के दाने और जो है अंगूर, सारे मैंने बहुत बारीक बारीक, मतलब अंगूर सॉरी अनार के तो दाने निकाल लिए, अंगूर जो है बहुत बारीक काटे हैं, टमाटर भी और खीरा और प्याज भी। तो अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर, तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी ये तीनों चीज़ें जो है ना हमने एक जगह मिक्स कर दी हैं, तो हम इसमें डाल देंगे फ्रूट्स जो हमने काट के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले डाल देंगे हम इसमें अंगूर, ठीक है, अंगूर भी डाल दिए। अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अब डाल देंगे अनार के दाने, ठीक है, सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे नमक, अभी हम इसमें डाल रहे हैं सादा नमक, काला नमक नहीं डालना मैंने, जो घर में सब्जी में यूज करते हैं वो वाला डालना है, बड़े की बताओ, ठीक है। अभी इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया, थोड़ी सी डालेंगे मिर्च, मतलब काला नमक भी हमने डाल दिया और थोड़ा सा सादा नमक भी डाल दिया। अब हम इसमें डाल रहे हैं मिर्ची, ठीक है, थोड़ी सी डाल दूँगी क्योंकि फिर बच्चे पियेंगे तो वो नहीं पी पाएंगे, ज़्यादा लगेगी उनको, अब नहीं तो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खाती खा रहे हो भी, तो बहुत थोड़ी डाल दी है मैंने। उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आ जा बाबू, बेटा हाथ में पाम लग जाएगा हाथ पर। चलो हमारा रायता बनकर तैयार हो गया। ये रायता जो है ना बहुत पौष्टिक होता है बच्चों के मामले में, जब आपके बच्चों का मन करे रायता पीने के लिए तो आप इस तरह का बना के दे सकते हो, बड़े भी इस रायते को पी सकते हैं, क्योंकि इसमें है ना फ्रूट्स हो गए, खीरा हो गया, प्याज हो गई, टमाटर हो गई, सारी चीज़ें जो मिक्स करके बहुत अच्छा रायता बन। खीरा हमारे शरीर में पानी की पूर्ति करता है, पता है जब भी कभी हमें पानी की कमी आ जाए तो डॉक्टर नहीं बोल देती है, अक्सर ये डॉक्टर बोलते हैं कि खीरा खाओ, पानी ज़्यादा पियो, तो खीरे में बहुत ज़्यादा पानी, ज़्यादा मात्रा में पानी रहता है, तो ठीक है बस और ज़्यादा नहीं बताऊँगी, फिर लोग बोलते हैं ज्ञान बांटती है। आ जाओ जल्दी जल्दी टेस्टी टेस्टी रायता पीने के लिए। शायद आज का रायता आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी पानी की पकौड़ी की, उसमें एक तो अच्छे से आप लोगों को दिख नहीं पाया, दूसरा फिर आप लोग कहते अच्छा नहीं बना, तो ये कैसा बना है इसको कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो चलिए इसको फ्रिज में रख देते हैं और अपनी सब्जी की तैयारी करते हैं, शाम के खाने में कौन सी सब्जी बनाने वाले हैं। वैसे वो जो तुमने पानी वाली पकौड़ी बनाई थी वो अच्छी थी, टेस्ट आ रहा था। कैसे बताया मम्मी ने, कैसे बताया? भिंडी में जीरा, मतलब प्याज भी गिरला है ना काट के। हाँ वो मतलब लिथाल तो नहीं, तुम साना जी तले तले ना मन्ना, और तुम साना जी तले तले दी पेन तो काना जी ना, तो फिर साना तू चिन्नी से रोटी खाने झुक गया होगी घाग दे होगा, ऐसे रोज रोज खाना को चिन्नी से भी तो ठीक ना। दस्ता लिया, चश्मा मिला, चश्मा पहन के आए हो, हट जा सारा, ये बराबर में दूसरी चीज दे दी, यू क्या हो रहा दीदी, थोड़ा तो गांठ सी या गांठ सी बेटी रख ना जी, कुछ वो आ रही माता जी मरी गई यार, जंग का ऐलान कर मारे से, मतलब तो जी
गुप्ता जी।